ये दोनों से चलता है। मैंने बीज से कहानी शुरू की थी, ये जो बीज जो आज पक गए हैं फसल में और फसल कट रही है, ये बैसाखी का पुनीत अवसर है। ये जो पावन पवित्र अवसर है, ये बैसाखी तुम मनाने के लिए यहाँ आए हो। ये पहली बैसाखी है जिसमें हमारे मानव दयाल जी महाराज शरीर में नहीं हैं। हमारे आराध्य देव, हमारे सतगुरु महाराज, हमारे परम संत मानव दयाल जी महाराज इस साल 23 फरवरी को चोला छोड़ गए, शरीर छोड़ गए, अपनी इच्छा से शरीर का त्याग किया। बहुत दिनों से शरीर को लेटा रखा था बिस्तर पर, अब शरीर की आवश्यकता नहीं रही तो उन्होंने छोड़ दिया शरीर। कुछ लोग रोए हैं, अभी माँ निर्मला जी कह रही थी ना, कुछ लोग रोए हैं, कुछ लोग वहां भी मैंने फरीदाबाद में भी देखा जहां उन्होंने शरीर त्यागा कि आंखों में आंसू हैं, लोग निराश हैं, अफसोस ज़्यादा हैं। लेकिन तुम्हें रोने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें निराश होने की क्या ज़रूरत है? पहले तो मानव दयाल देह में था, तुमसे दूर था। मानव दयाल पहले शरीर में था और तुमसे दूर था और दूरी बनी हुई थी। अब तो वो दूरियां ख़त्म हो गई, अब तो मिलाप हो गया, अब तो वो मानव दयाल तुम्हारे हृदय में धड़क रहा है, अब तो वो तुम्हारे दिल में बस गया, तुम्हारी रगों में दौड़ने लगा, अब तो वो इतना सूक्ष्म हो गया, अब तो आनंद का क्षण है, अब तो गाओ, अब तो नाचो, अब तो अच्छा हो गया, इस क्षण की प्रतीक्षा थी, अब तो बहुत सुंदर है। मैं तो कहा करता हूं कि हर व्यक्ति के शरीर छोड़ने पर नाचो और गाओ। और हमारे एडिटर साहब पता नहीं यहाँ हैं कि नहीं हैं, डॉक्टर अरविंद, अब वो बैठे हैं पीछे, डॉक्टर अरविंद पराशर बहुत काबिल व्यक्ति हैं, तो वो हमारी मैगजीन को चलाते हैं, हमारा मैगजीन। तो अभी जो नई मैगजीन आई है उसमें श्रद्धांजलि दी है हजूर मानव दयाल जी महाराज को, तो उसमें इन्होंने वो कबीर साहब का वाक्य लिया है, संत मरे ना रोइए, इस जो अपने घर जाए, कि संत मरे ना रोइए क्योंकि वो अपने घर को गए। मैं तो कुछ आगे की बात करता, मैं कहता हूं वो शरीर में रहते हुए भी अपने घर में थे, अगर वो अपने घर में नहीं थे तो परम संत नहीं हो सकता, सतगुरु नहीं हो सकता। सतगुरु वो है जो इस शरीर में रहता हुआ भी अपने घर में है, उसी को सतगुरु कहा है। तो ये नहीं कि मर करके अपने घर जाओगे। विदेहा अवस्था, राजा जनक की विदेहा अवस्था मुझे याद आता है, परमजाल जी महाराज ने ऐसे अपनी तेज आंखों से मुझे देखते हुए कभी कहा था कि तुम राजा जनक थे, और मैं देखता हूं कि कैसी पारदर्शिता उनकी, कैसा वो उनका देखने का ढंग, कि मेरे सारे जीवन की कला को एक मिनट में एक शब्द में पहचान लिया और कह दिया। तो विदेहा अवस्था भी एक ऐसी अवस्था है, परम ज्ञान को, परम उपलब्धि को राजा जनक प्राप्त हो गए, लेकिन राजपाट करते रहे, इतना बड़ा साम्राज्य चलाते रहे, भोगते रहे जीवन को, और भोग में जोग को मिला दिया। वो कहते हैं ना कि भोग में जोग मिलावे, भोग में जोग जगावे, भाई कोई सतगुरु संत कहावे, कोई सतगुरु संत कहावे, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जगावे,
वो सतगुरु है जो भोग में भी जोगम का जिसका वियोग नहीं हुआ उस घर से, भोग में भी वो जुड़ा हुआ है, वहां योगी है वो, वहां भी देह में भी विदेह है, देह में भी विदेह है। तो मानव दयाल जी तो ऐसे थे। तो ये तो सब पे लागू होता है कि जाइए तो मत रोइए, शरीर जाता है तो रो नहीं, बैंड बाजे बजाओ, अरे क्या हुआ, मृत्यु तो है नहीं, मौत तो है नहीं। अभी आज एक बेटी आई रोने लगी, अभी चली गई है, उनकी सास का देहांत हो गया, अलवर से है, तो रो रही है बेचारी, रो रही है, रो रही है, रो रही है, रो रही है। अब रोने से कितना कष्ट होता है जाने वाले को, कि जाने वाला तो आजाद है, हंस रहा है, खेल रहा है, बीमारी से छुटकारा मिल गया, शरीर मैला हो गया था, कुचैला हो गया था, गंदे कपड़े थे उतार दिया, फेंक दिया उन कपड़ों को, तो और ज्यादा आनंद आ गया। जो गंदे कपड़े थे, जो कुचैले थे, मैले थे, जिनसे बदबू आने लगी थी, जो रोगों का घर कर लिया उसमें शरीर में जिसने, वो फेंकना तो बहुत अच्छा, बहुत शुभ है, क्या करोगे लेके। मैं तो कहता हूँ स्वस्थ भी हो तो भी बदल लो, अगर स्वस्थ भी हो तो शरीर बदलने में क्या है, ये तो बहुत अच्छा है, है? और स्वस्थ ही हो तभी बदलना अच्छा है, गंदा करके मैला करके फेंकना कपड़ा तो ये तो गुर्बत है, ये तो गरीबी की इंतहा है, अमीर बनो, अच्छे बनो, रोज कपड़े बदलो। और मौज से बदलो, हंसी खुशी से बदलो। तो संत मरे ना रोइए, संत नहीं मरता, रोने का प्रश्न नहीं उठता, कहां मरता है संत और कहां अपने घर को जाता है, क्या यहां बेगाने की जगह है, वो ये संसार भी उसका घर है, और यहां वो उस परम घर से भी जुड़ा हुआ है, वो घर, वो सखिया, वो घर सबसे न्यारा, जहां पूर्ण पुरुष हमारा, वो पूर्ण पुरुष जो है, जहां वो है वहां भी है, वहां है तभी सतगुरु है। मैं तुम्हें कहा करता हूं कि चरण क्यों छूते हो सतगुरु के, चरण का यही महत्व है, क्या है सतगुरु, तुम उससे कहते हो कि तुम तो यहां हो नहीं, तुम तो अपने घर में हो, तुम्हारे चरण ही इस धरती पर पड़े हुए हैं, वही छूने दो हमें, चरण ही छूए जा सकते हैं, सिर को नहीं छूते तुम उसके, शरीर को नहीं तुम छूते उसके, तो वो तो सदा वहां है, जो सदा वहां है उसी के लिए कहा है, उसी के लिए कहा है भाई, कोई सतगुरु संत कहावे, कबीर साहब बड़ा सुंदर कहते हैं, भाई कोई सतगुरु संत कहावे, भाई कोई सतगुरु संत कहावे, नैनन अलख लखावे, भाई कोई सतगुरु संत कहावे, भाई कोई सतगुरु संत कहावे, कहाँ है सतगुरु, कहाँ है संत, ढूंढने से नहीं मिलता, इसीलिए खबरदार रहना, झुकने से पहले देख लेना कहाँ झुक रहे हो, भाई कोई सतगुरु संत कहावे, नैनन अलख लखावे, भाई कोई सतगुरु संत कहावे, नैनन अलख लखावे। सतगुरु वो है तो पहचान दी है सतगुरु की, कि सतगुरु की पहली पहचान क्या है, जो तुम्हें नैनों से उसको दिखा दे जो अलख है, जो दिखाई नहीं देता, जो इन नैनों से दिखाई नहीं देता उसके दर्शन करा दे, उसके दर्शन हो सकते हैं। अर्थ ये है कि उन नैनों से दर्शन करा दे जो इन नैनों से दर्शन नहीं कर सकने में कामयाब,
जो ये नयन दर्शन नहीं कर सकते उसके दर्शन उन नयनों से करवा दे। वो नयन कहाँ है? वो नयन सतगुरु से मिलते हैं, वो चक्षु मिलता है, वो नेत्र खुलता है जिससे तुम उसके दर्शन करते हो। वो नया चक्षु दिव्य मुंददामी के चक्षु पश्चमे योगेश्वरम। भगवान कहते हैं ऐ अर्जुन तुम्हें मैं दिव्य चक्षु देता हूं, तुम नहीं देख सकते इन नयनों से मेरी लीला को, मेरे को। तुम मुझे कृष्ण ही देख रहे हो, सखा ही देख रहे हो, सारथी ही देख रहे हो, तुम मुझे अपना कुटुंबी ही देख रहे हो। तुम मुझे अपना संबंधी देख रहे हो, तुम परमात्मा नहीं देख रहे हो। सतगुरु के दर्शन तुम्हें नहीं हो सकते इन नयनों से। तो बड़ी कृपा करते हैं, कहते हैं तुझे बहुत कुछ दिया है, बड़े सत्संग कराए हैं, बड़े ज्ञान की चर्चा की है, अब तुम्हें मैं दिव्य चक्षु देता हूं। वो चक्षु देता हूं जिसके देने से तुम मुझे देख पाओगे। ना तो शक्य से दृष्टुम ने नई सुचक्षुषा, सुचक्षुषा अपने चक्षु से, अपने नैनों से तुम मुझे देखने में समर्थ नहीं हो सकते हो। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चमे योगमेश्वरम। मेरे योग का ऐश्वर्य जो है, मेरी जो लीला है उसको देख तू, मेरे दर्शन कर मेरे स्वरूप के उस चक्षु से। वो है नैन, वो नैन मिलते हैं। एक अंधा घर से निकलता है, जाना है बाहर, घर से निकलता है, रात हो गई है। अब वो मांगता है अपने बेटे से कि बेटे लालटेन दे दे, मैं अंधेरे में बाहर जाऊंगा तो ठोकर ना लगे। और बच्चा पूछता है कि आप तो अंधे हो पापा, आंखें तो आपकी है नहीं, तो लालटेन का क्या करोगे? और वो अंधा कहता है तुम नहीं समझते, तुम छोटे हो, लालटेन मेरे लिए नहीं है, दूसरे के लिए है। कि दूसरा उधर से आएगा जो आदमी, वो देखेगा अंधेरे में मेरे से टकरा जाएगा, उसको अंधेरे में दिखाई नहीं देगा, मेरे तो नैन ही नहीं है, मेरे तो अंधापन है, मैं तो देख नहीं सकता। दूसरा जो है वो अंधेरे में नहीं देख पाएगा वो भी, इसलिए वो मेरे से टकरा जाएगा, रोशनी होगी तो बच जाएगा टक्कर से। और वो लालटेन लेके चलता है, बच्चे की समझ में आ जाता है, लालटेन जला के दे देता है अपने पापा को। तो लालटेन लेके चलता है, थोड़ी दूर चलता है तो टक्कर होती है बड़े जोर से, दूसरी तरफ से आदमी आ रहा था उससे टक्कर हो जाती है। तो ये अंधा आदमी जोर से उठ करके बोलता है अरे मुझे गिरा दिया, अभी मेरी हड्डी पसली टूट गई होती इतनी मुश्किल से, देखते नहीं अंधे हो, मेरे हाथ में लालटेन नहीं दिखाई देती। तो दूसरी तरफ भी अंधा है, वो कहता है तुम्हें दिखाई नहीं दी, मेरे हाथ में भी लालटेन है। संयोगवश दूसरी तरफ से भी अंधा चला आ रहा है, वो भी लालटेन लेके निकला है कि ताकि आगे आने वाले आदमी देख सके मुझे, कोई टकरा ना जाए। लेकिन दोनों अंधे, दोनों के पास लालटेन है। आज जगत में हर प्राणी की ये हालत है, लालटेन तो लिए घूमते हो। ये तुम्हारे वेद और ये शास्त्र क्या हैं? ये पुराण और ग्रंथ क्या हैं? ये भगवत गीता की रटन लगाई हुई है, ये सारा कुछ रट रखा है, ये क्या है? ये लालटेन लिए घूम रहे हो, अंधापन कायम है, टक्कर अभी भी लगेगी क्योंकि आगे से भी वही हाल है। नैनन अलख लखावे, वो है जो तुम्हें एक दिव्य चक्षु देता है और तुम्हें देखने को मिल जाता है। फिर वो कहते हैं डोलत डिगे ना बोलत बिसरे जब उपदेश डोलत डिगे ना बोलत बिसरे जब उपदेश डड़ा। क्या होता है, कौन है सतगुरु? अगर तुम्हें नैन नहीं मिलते हैं, याद रखना, अगर तुम्हें चक्षु नहीं मिला है, वो ज्ञान नेत्र नहीं खोल पाया है, वो सतगुरु
तुम्हारे लिए वो सतगुरु नहीं है। वो सतगुरु नहीं होता है, पांच नहीं सात प्रकार के लोग होते हैं मेरे देखे इस संसार में। एक तो उस प्रकार के हैं जो सोए हुए हैं, गहरी निद्रा है, नींद बहुत गहरी है, सोए हुए हैं, उनको पता ही कुछ नहीं है। वो जैसे संसार में आए ना आए एक बराबर है, क्योंकि नींद में है। कुछ हो भी रहा है उनके ऊपर तो कोई सुध नहीं है, वो पत्थर की भांति हैं, वो इन दीवारों की भांति हैं, कोई संवेदनशीलता नहीं है, सो रहे हैं। एक तो ऐसे लोग हैं, दूसरी प्रकार के लोग हैं जो स्वप्न में हैं। चेतना तो है लेकिन स्वप्न देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, नींद में सरक गए हैं। सपने बड़े प्यारे हैं, बहुत से लोग इसी तरह के हैं जो सपने देखने में लगे हुए हैं। हाँ, बच्चे को पैदा करना है, कल को बड़ा होगा, नौकरी करेगा, कमाई करके देगा मुझे, छोटी बेटी है, लड़की है, मेरी शादी करो महाराज जी, मैंने सुख भोगना है, मैंने सुख को देखना है। उसको दिखाई कुछ नहीं देता, सपने हैं, सपनों ने अंधा कर रखा है उसको। ये नहीं पता कि इस शादी में कितना नुकसान होगा। महाराज जी कह रहे हैं ये शादी तुम ना करो तो अच्छा है, लेकिन वो बुजिद है, उसका प्रेम है, वो शादी करती है, उसको दिखाई नहीं देता है? सपना चल रहा है, सपने में भी अंधापन है। सपने ने तुम्हें रिझा रखा है, कार लेनी है, बस सपना चलने लगा, बस उस सपने के पीछे सब पाप होने लगा, सब लोगों के गले कटने लगे, सब पैसा बटोरने लगे हो किसी ने किसी तरह से, किसी से झूठ बोल के पैसा ले लिया है, किसी से दगा करके पैसा ले लिया है, किसी जगह से मेहनत करके भी पैसा तुमने ले लिया, कर्जा भी उठा लिया है, चिंताएं बढ़ा ली हैं, कार लेनी है, सपने जग रहे हैं, मकान बनाना है। महाराज जी पैसा और चाहिए, महाराज जी घर में लड़का नहीं है, लड़कियां हुई जा रही हैं, सपने सपने सब जगह सपने, और सतगुरु के पास भी सपने लिए आते हो कि ये मिलेगा वो मिलेगा, सपने सजा के आते हो कि वहां जाएंगे तो पता नहीं क्या शक्तिपात हो जाएगा, हमारा रूपांतरण हो जाएगा, हमारे जीवनों की सारी मल धुल जाएगी, बड़े सपने बड़े ख्याल, ख्याली पुलाव शेख चिल्ली की तरह। तो बहुत से लोग इन सपनों में जीते हैं, जो ना नींद में है ना सपने में है, जाग गए हैं, लेकिन सिर्फ जागे हैं, होश नहीं है, होश नहीं है, जाग गए हैं, संसार का काम कर रहे हैं, खूब धन कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, चाहे गरीब हैं चाहे अमीर हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, जाग गए हैं, लेकिन अपना जो परम खजाना है उसकी होश नहीं है। जाग गए हैं, शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, पदार्थ को ही सब कुछ समझते हैं, दुनिया को ही सब कुछ समझते हैं, संसार को ही सब कुछ समझते हैं, यही समझते हैं कि मेरा जीवन यहीं तक है, मेरी पत्नी मेरे बच्चे, मेरा जीवन यही है, दो वक्त की रोटी खाते हैं जैसी भी मिलती है, उसमें एक प्रकार की वो शांति ढूंढते हैं, सुख ढूंढते हैं उसी में, लेकिन असलियत का पता नहीं है, सच्चा ज्ञान नहीं हुआ है, जागे हुए हैं। एक चौथी प्रकार के लोग हैं जो जागे हुए हैं और उनको गुरु मिल गया है। ये तीसरी प्रकार के लोगों को तो जागे हुए हैं लेकिन दिशा नहीं मिली, डायरेक्शन नहीं मिली, दीक्षा नहीं मिली, गुरु नहीं मिला, सतगुरु नहीं मिला, वो चौखट नहीं मिली, मंदिर का द्वार नहीं मिला, गुरुद्वारा का द्वार नहीं खुला उनके लिए अभी। और ये चौथी प्रकार के हैं जिनको वो द्वार मिल गया, वो परम द्वार मिल गया जहां से सब कुछ मिल सकता है। ऐसे लोगों को मैंने साधक कहा है, वो साधना में रत हैं, वो साधना पे साधना कर रहे हैं।
साधना करने लगे। जिज्ञासु जिसे कहा है, मुमुक्षु कहा है, वो क्या करते हैं? उनकी साधना बेकार, उनकी साधना का कोई अर्थ नहीं। क्यों अर्थ नहीं है? क्योंकि जिज्ञासाएं उठा रहे हैं, कुतूहल है मन में, प्रश्न है। सतगुरु का दरबार मिल गया है, जाग गए हैं, वहां पर बैठ करके प्रश्न उठा रहे हैं, प्रश्न ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। जिज्ञासाएं छलांगे भर रही हैं, जिज्ञासु हैं। पहले तीन तरह के लोगों से अच्छे हैं, बेहतर हैं, लेकिन सतगुरु का अमृत नहीं ले पा रहे, सतगुरु की कृपा के पात्र नहीं बन रहे, सतगुरु का प्रसाद नहीं लेने में सफल हो रहे, क्योंकि जिज्ञासा से भरे हैं। क्योंकि वहां भी अपने ले आए हैं उन प्रश्नों को, महाराज जी पहले साबित करें कि परमात्मा है, महाराज जी पहले बताओ कि मुझे शांति मिलेगी, आप सच्चे सतगुरु हो, मुझे परखने दो। तो ये जो परख है, ये वो ऐसे लोग हैं, ये करते हैं, उनको मैंने जिज्ञासु कहा है। हैं, ढूंढ रहे हैं, पता लग गया कि ये पूरा नहीं है, ये संसार पूरा नहीं है, पता लग गया कि यहाँ परम शांति नहीं है, पता लग गया कि यहाँ दुख है, पता लग गया कि ये संबंधी और साथी जो हैं, ये जाएंगे, आज नहीं कल जाएंगे, मेरा शरीर भी जाएगा, मैं भी जाऊंगा, ये क्षणभंगुर है, सब जाने ही वाला है, ये पानी का बुलबुला है, पता लग गया। इस बात का पता लगते ही अब गुरु का द्वार मिल गया कि कहाँ है रोशनी, कहाँ से मिलेगा वो धाम जहां पे ना मौत है, ना रोग है, ना शोक है, जहां पर जीवन है, परम जीवन है, मिल गया। लेकिन वहां जिज्ञासाएं लेके पहुंच गए, जिज्ञासाओं के पीछे अपना अहंकार पल रहा है, अहंकार पल रहा है। और फिर बोलेंगे, महाराज जी मैं भी तो यही कहता हूं, मैंने भी तो यही वचन किए थे। तो अपनी पुष्टि चाहते हैं, जो अपना उनका कूड़ा करकट इकट्ठा किया हुआ है, उसकी पुष्टि मिले अगर सतगुरु से, तो फिर सतगुरु हाँ जी ठीक है, नहीं मिले तो नहीं, किसी काम का नहीं। तो ऐसे लोग जिज्ञासु कहलाते हैं। और पांचवी प्रकार के लोग हैं जो सचमुच कूद पड़ते हैं, सतगुरु कर लिया, सतगुरु को मान लिया, शरणागति हो गया, शरणागत होकर के जो सतगुरु कहता है उसका हुक्म सर आंखों पे, उनके हुक्म में चलते हैं, सतगुरु की कृपा बरसनी शुरू हो जाती है, सतगुरु का प्रसाद बरसना शुरू हो जाता है, उनकी यात्रा शुरू होती है। ये मत समझना कि उनको मंजिल मिल गई, उनकी यात्रा शुरू हुई है। ये छठे प्रकार के लोग हैं। छठे के पांचवें कितने हुए? पांचवें प्रकार के लोग हैं ये। पांचवी श्रेणी में ये लोग आते हैं जो शरणागत हो गए हैं, सब कुछ मिलने लगा है उनको, यात्रा शुरू हो गई है, सिमरन ध्यान करने लगे हैं, सतगुरु की आज्ञा में रहते हैं, सेवा करते हैं, स्वाध्याय है, सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, सिमरन, ये सब पल रहा है उनके जीवन में। हाँ, ये पांचवी प्रकार के। छठी प्रकार के वो हैं जो यात्रा पे निकल के पहुंच जाते हैं, मंजिल मिल गई जिनको, उनको हमने संत कहा है। ये जरूरी नहीं कि तुम्हें द्वार मिल गया, तुम शरणागत हो गए, तुम्हें पता लग गया रास्ते का, तुम रास्ते पे चलने लग गए और सतगुरु तुम्हें चिल्लाने लग गया उस रास्ते पे कि तुम पहुंचो गई मंजिल पे, ये जरूरी नहीं है। लोग गिर गिर जाते हैं, लौट आते हैं, मंजिल पास ही है, फिर लौट आते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर कोई और चीजें बीच में आ जाती हैं, बड़े बड़े संत गिरते हैं। तो ऐसे लोग जरूरी नहीं कि वो मंजिल पे पहुंच जाएंगे,
वो पांचवी प्रकार के, छठी प्रकार के लोग हैं जिन्होंने मंजिल को पा लिया, जो जा मिला अपने उस परम शांति के स्रोत से, जो गिर गया उस परम सागर के आनंद में, जिसने वो सब ले लिया, वो है छठी प्रकार का, उसको हमने संत कहा है। और सातवीं और आखिरी प्रकार का वो है जो संत पा लेता है उस परम शांति को और चलता है फिर जगत में उतर करके, अपनी शांति को भी छोड़ करके अशांत लोगों में शांति भरने के लिए जो चलता है, जिसको हमने सतगुरु कहा। सतगुरु की ये महिमा है। सतगुरु वो सातवां है जिसने सब कुछ पाने के बाद, याद रखो मेरी बात को, पाने से पहले नहीं, जिसने सब ले लेने के बाद देखा कि आसपास तो त्राही त्राही मच रही है, आसपास तो सब दुखी संसार पल रहा है, आसपास तो जीव हर प्राणी किसी न किसी दुख में मुब्तला है, ये तो बड़ा सीधा सरल सहज रास्ता था, मैं पहुंच गया तो मेरा साथी क्यों नहीं पहुंच। सतगुरु के लिए, उस परम संत के हृदय में असीम अनंत अनुकंपा का सागर लहराना चाहिए, वो उसकी कृपा से होता है। वो परमात्मा जब स्वयं ही उतरता है तभी वो सागर, वो तभी अनंत सागर प्रेम का, अनुकंपा का, दया का लहराने लगता है। तब वो दुखी जनों की सेवा में लगता है, दुखी जनों की सेवा में लगता है। दाता दयाल ने देखा परम दयाल में, उसने देख लिया कि ये सतगुरु है, ये सतगुरु है, तो उन्होंने हुक्म दिया उनको कि देखो सारे धर्मों का जो निचोड़ है वो है सच्चाई, वो है एकता, और उसका नाम है मानव धर्म, और तुमने मानव धर्म का प्रचार और प्रसार करना है और दुखी जीवों की सेवा करनी है, बस, और कोई हुक्म नहीं था उनके लिए, यही एक हुक्म था दाता दयाल का। अपने परम शिष्य सतगुरु हजूर परम दयाल जी महाराज के लिए, और परम दयाल जी महाराज ने 1938 में यहां से तार भेजा था इस हुशियारपुर से, 1938 में टेलीग्राम द्वारा सूचित किया था, क्योंकि वो दाता दयाल जी सीट छोड़ने वाले थे, 1939 में उन्होंने सीट छोड़ा, उनको पता था कि मेरा वक्त नजदीक है, तो उन्होंने बार बार आग्रह किया फकीर चंद जी महाराज को कि तू मुझे ये कमिटमेंट दे, लिख करके भेज, तो वायदा करो कि तुम मेरे इस काम को करोगे। क्या काम था? कि जो सारे धर्मों का मानव धर्म निचोड़ है, सार है, जिसमें प्रेम है, सेवा है और क्षमा है, दया है, जिसमें सच्चाई है और एकता का संदेश है, उसको तुम सारे संसार में फैलाओगे और दुखी जीवों की सेवा करोगे। तो उनकी टेलीग्राम पहुंची दाता दयाल को कि मैं फकीर चंद ये प्रतिज्ञा करता हूं कि अपनी योग्यताओं और परिस्थितियों के अनुसार मैं सारे संसार में सच्चाई का प्रचार करूंगा, सत्य का प्रचार करूंगा। ये होता है सतगुरु, जो अपनी परम शांति को पाकर के छिप नहीं जाता है, जो उसमें सुगंध भर गई है, उस पुष्प में जो खिला है अपनी परम आभा में, अपने परम स्वरूप में वो सुगंध बिखेरता है। जो बादल भर गए हैं पानी से, वो तैरते हैं आकाश में, ढूंढते हैं सूखी और भूखी धरती को, जहां वो बरस जाएं और उसको तृप्त कर दें, परितृप्त कर दें। वो भर जाता है लौ से, जब जो प्रकाश भर जाता है संत, वो चलता है बाहर, वो समाता नहीं अंदर,
वो आनंद इतना है, वो प्रकाश इतना है कि वो फैलना चाहता है, फैलना चाहता है और कल्याण उनका करना चाहता है जो अंधकार में है। तो वो फैलता है, वो लौ फैलती है, दूर दूर तक फैलती है। उस फैलती हुई लौ को हमने सतगुरु का नाम लिया है, उसको सतगुरु कहा है। उसी की चर्चा कबीर साहब करते हैं, भाई कोई सतगुरु संत कहावे, नैनन अलख लखावे। भाई कोई सतगुरु संत कहावे, ढोलत डगे न बोलत विसरे, जब उबले शीर्ष धरा। ढोलत डगे न बोलत विसरे, क्या बात है। स्थित प्रज्ञ तदा उच्चते, वही स्थित प्रज्ञ है। दौलत डिगे न बोलत विसरे, जो अटल है, जो निश्चल है, जो स्थिर है, जिसको स्थित प्रज्ञ कहा, उसकी परम संत की परिभाषा पूछते हैं ना, तो उत्तर मिलता है कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनिव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्चते। उसको स्थित प्रज्ञ कहा है। दुखेशु अनुद्विग्न मनः, सुखेशु विगत प्राह, वीतराग भय क्रोधा स्थितधी मुनि उच्चते। वो स्थितधी है जो दुख में दुखी नहीं है, सुख में वो छलांगे नहीं भर रहा है, जो स्थिर है, जो मध्य में आ गया, जो घड़ी का पेंडुलम जो है, जो क्लॉक का पेंडुलम जो घूम रहा है एक छोर से दूसरे छोर की ओर, एक अति से दूसरी अति की ओर, एक सुख से दूसरे दुख की ओर, दुख से फिर सुख की ओर, फिर सुख से दुख की ओर, वो बीच में आके खड़ा हो गया, वो परमानंद की अवस्था में स्तब्ध हो गया, स्तब्धोस्ति। वो क्या होता है? स्तब्धो भक्ति, सिद्धो भक्ति, आत्मरामो भक्ति, मत्तो भक्ति। वो मस्त है, वो मत्तो भक्ति, मत मस्त, सिद्धो भक्ति, उसी को सिद्ध पुरुष कहा है। आत्मरामो भक्ति, वो उसी में रमा हुआ है, उसी में रमा हुआ है। वो बोलते हुए भी उपदेश देते हुए भी वो वही है, उसी जगह है। कहें कबीर, हम उसी ठिकाने, हमारा ठिकाना नहीं डोलता, कोई झंझावात उसको डोला नहीं सकता है। हर हालत में रोग है, निरोग है, सुख है, दुख है, हवा तेज है, गर्म है, ठंडी है, कुछ भी है, वो नहीं डोलता, वो नहीं बैठता। उसको कहा है सतगुरु। और क्या है? नहीं, उससे पहले है, कबीर साहब है ना, तो वो कहते हैं पूज्य क्रिया तो न्यारा, प्राण पूज्य क्रिया तो न्यारा, प्राण पूज क्रिया तो न्यारा, सहज समाधि सिखावे, भाई कोई सतगुरु संत कहावे, भाई कोई सतगुरु संत कहावे। कौन कहावे? कौन कहा वे? प्राण पूजी क्रिया तो न्यारा, ये सब चीजों से न्यारा है। तुम करते रहते हो, आरती उतारते रहते हो, हमने तो आरतियां बंद कर दी, हमने कहा अब प्रथा को बंद करो, बहुत पुरानी प्रथा दाता दयाल के टाइम की चली आ रही है, अब इसको बंद करो। अब नया सबक तुम्हें दिया कि आरती नहीं उतारनी, फूल मालाएं भी मैं मना करता हूँ, पांव छूना भी मना करता हूँ। क्यों?
इसीलिए कि किन पचड़ों में पड़े हुए हो, ज्ञान को समझो, ज्ञान की धारा को समझो। जो परम ज्ञान तुम्हें सतगुरु दे रहा है उसी का उल्लंघन उसी के ऊपर कर रहे हो। जो परम ज्ञान तुम्हें वो दे रहा है उसी परम ज्ञान को उसी के सामने तोड़ तोड़ के उसको बता रहे हो, लो ये तुम्हारा ज्ञान था। तुम कहते थे कि किराकांड से न्यारे हो, मैं किराकांड करूंगा। तुम किराकांड से न्यारा बनना चाहते हो, मैं नहीं न्यारा बनने देता। लो खोल लो पांव को। अब वो कहता है सतगुरु कि जो पांव हैं वो ये नहीं है, जो चरण कमल हैं वो ये नहीं है, लेकिन तुम पकड़ते हो पांव को। तुम कहते हो कहां भाग के जाओगे, तेरे ही ज्ञान का तुम्हारे ही सामने खंडन करूंगा और करूंगी। देखा कितना अच्छा मजा है, और सतगुरु मजे से देखता है। करो उतारो आरतियां। देखते आए हैं सतगुरु, देखते आए हैं, देख रहे हैं हा? लेकिन किसी समय सतगुरु से नहीं बर्दाश्त होता तो वो तुमसे कहता है कि तुम आरतियां उतारनी अब बंद करो। प्राण पूज क्रिया तो न्यारा, सहज समाधि सिखावे। अरे जो सीखने की बात है वो तो समाधि है। तुम छोड़ो ये सारी अर्चने, ये प्रार्थनाएं, ये पूजाएं, ये मालाएं, ये सब जो तुम करते हो, तिलक लगा लिया। याद रखना तिलक लगाने वाला सतगुरु नहीं है। जहां तिलक लगा देखो वहां से भाग जाना, ये भी बता दूं। इसीलिए भाग जाओ, इसीलिए कह रहा हूं तिलक लगाने वाला सतगुरु नहीं हो सकता है, माला पहनने वाला सतगुरु नहीं हो सकता है। समझो ज्ञान को, पकड़ो मेरी बात को। जो मैं करता हूं वो मत करो, जो मैं कहता हूं वो करो। गुरु नाम है ज्ञान का, और बार बार कहा जाता है कि गुरु जो करे वो मत करने लगना, पहले तुम गुरु बन जाना फिर करने लगना। तुम अभी वो करो जो सबक दिया जाता है। तिलक लगाने से, माला पहनने से, सफेद कपड़े पहनने से, कोई और पहरावा पहनने से, कन पड़वाने से और थाल सजाने से आरतियों के, और ये जितने भी तुम फल और लाते हो मिठाइयाँ सारी ये चढ़ाने से, पैसा चढ़ाने से तुम सतगुरु की पूजा नहीं करते हो। ना अपना सवार रहे हो, ना किसी का सवार रहे हो। अपना सवारना है तो सहज समाधि सीखो उससे। वो सहज समाधि सिखाता है, और जहाँ सहज समाधि सिखाई जाती है वहीं सतगुरु का अवतरण हुआ है, और कहीं नहीं है। तो सहज समाधि है, समाधि भी कड़ी समाधि नहीं। ये नहीं कि 10-10, 5-5 तुम्हें नियम बताए जाएं, ये मत करना, वो मत करना, वो मत होना, ऐसे मत बैठना, ऐसे मत बैठना। तुम्हें 10 लिस्ट दे दी जाती है कि ये चीजें वर्जित हैं, ये चीजें नहीं करनी, ये चीजें करनी है। कुछ करने के लिए दिया जाता है, कुछ ना करने के लिए दिया जाता है। नियमों में बांधा जाता है, तुम्हें जकड़ दिया जाता है, तुम्हें एक पिंजरे में डाल दिया जाता है। वो सहज समाधि नहीं है। सहज अवस्था में जो सहज समाधि में गिरता है वो जो कला है वो सिखाता है। तुम्हें कितनी बार मैंने सत्संगों में सहज समाधि में जाने की बात की है। सहज समाधि। और मेरे देखे समाधि होती ही सहज है। अगर सहज ना हो तो समाधि नहीं हो सकती। जो मैंने कहा समझे हो, समाधि सहज ही होती है। अगर असहज हो जाए तो समाधि नहीं लग सकती, लगेगी नहीं समाधि। कहां बैठे हो हैं? समाधि तब लगती है जब तुम परम सहज अवस्था में होते हो, परम सरल अवस्था में जब होते हो तब समाधि अवस्था होती है, तब तुम्हारी समाधि लगती है। वो सिखाता है तुम्हें, वो है सतगुरु। भाई कोई सतगुरु संत कहावे, भाई कोई सतगुरु संत कहावे। द्वार न रौंधे भवन न रोके नहीं नर जावे। उसी बात को दूसरे ढंग से कहा है।
द्वार न रोंधे पवन रोके नहीं अनहद हर जाए, नहीं अनहद हर जाए। अरे नहीं तो मैं कहते हैं तीनों बंद लगाई के, वो कभी फिर बताएंगे, तीनों बंद लगाई के सुना अनहद टकोर, नानक सुन समाज में नहीं सांझ नहीं, नहीं सांझ नहीं बोर। कबीर साहब भी यही कहते रहे कि तीनों बंद लगाओ, बंद लगा के फिर वहां जाओ। सतगुरु वो है जो कोई बंद नहीं लगाता है, जिसके बंद स्वतः लगे हुए हैं। वो बीच बाजार में खड़ा हुआ समाधिष्ठ अवस्था में जा सकता है, जाता तभी वो सतगुरु है। सतगुरु की एक और पहचान बता दूं कि जो तुम्हारे मार्केट में, ये बाजार में जहां शोरगुल है, जहां दुनिया धक्के मार रही एक दूसरे के साथ, वहां खड़ा खड़ा जो समाधि अवस्था में हो वो है सतगुरु। और ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है, ऐसा होना संभव है। वो ही सहज समाधि है। समाधि वो नहीं कि हिमालय पे की चोटी पे जा करके वहाँ पर कान रोंद करके और प्राणायाम करके तुम वहाँ उपलब्ध होगे। उसके लिए पतंजलि का योग सूत्र अलग रह जाता है। उसकी सारी धारणाएं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, वो सब बाहर, वो निकल गए हैं। और वो क्या करे, वो करता है फिर तुम्हें ये सबक सिखाता है, नहीं अनहद अरिझाए। तो करता क्या है, करना क्या है फिर हैं? तुम्हें क्या क्या ध्यान सिखाए गए हैं, क्या क्या ध्यान सिखाए गए हैं? ये मन जाए जहां लग तहां ही परमात्म दर्शावे, भाई कोई सतगुरु संत कहावे। ये मन जाए जहां लग ताही परमात्म दर्शावे, भाई कोई सतगुरु संत कहा। तो क्या करना है फिर? वो कहते हैं कि वो तो भाई कान भी नहीं बंद करता, आंख भी नहीं बंद करता, खड़ा खड़ा समाधिष्ट अवस्था में जा सकता है। वो सारे जो योग सूत्र में पतंजलि ने दिए हैं नियम, और जो धारणाएं दी हैं, भगवत गीता में कहा है सर्व द्वाराणि संयम में मना हृदय निरुद्धे च, कि सारे द्वारों को बंद करके मन को अपने हृदय में टिका करके और प्राणों को यहाँ स्थित करके ओम का उच्चारण करो। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम सह जाति पराम गति, के परम गति को प्राप्त करना है तो ओम का उच्चारण करो। सारे द्वारों को बंद करके, सारी चर्चाएं इसी पे हैं कि इन द्वारों को बंद करके करो। सतगुरु कौन है, सतगुरु कौन है छोटे लाल, सतगुरु कौन है? सतगुरु वो है जो जहां भी मन जा रहा है वहीं समाधिष्ठ है। अभी एक औरत हमारे पास आई, कई दिनों की बात होगी, मैंने तुम्हें सुनाई थी बात। वो कहती महाराज ये ध्यान नहीं लगता। मैंने कहा तुम्हारा बच्चा छोटा है। कहने लगी जी मेरा ध्यान ही बच्चे में रहता है, मेरा ध्यान बच्चे में रहता, मैं ध्यान में बैठी होती हूँ तो ख्याल रहता है कि बच्चा कहीं गिर ना जाए सीढ़ियों से, सीढ़ियों के पास रड़ता चला जाता है, उसको आदत है, नीचे से आवाज आती है, पहले फ्लोर पर रहते हैं, नीचे से आवाज आती है, सीढ़ियों पर चल जाता है, सीढ़ियों से गिर जाता है, तो मेरा ध्यान बच्चे में ही रहता है। मैं उसको ऊपर बैठाती हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, नीचे गिर जाता है, चारपाई के नीचे आ जाता है गिर करके, अब क्या करूं मैं? मैंने कहा तुम्हारे लिए कोई जाप नहीं है, कोई तप नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, तुम बैठ करके अपने बच्चे पे ध्यान लगाया करो।
जहां ध्यान जाता है वहीं ध्यान लगाओ। 6 महीने बाद वो आती है इतनी परितृप्त हो करके, इतनी शांत हो करके, महाराज जी आपने तो मुझे वो बता दिया जो मैं इतनी उम्र में आज तक न सीख पाई। और उसके पति देव कहते हैं, महाराज जी आपने क्या इसको कुछ जादू कर दिया, ये तो बहुत आगे निकल गई हमसे, ये तो बड़े ज्ञान ध्यान की बातें करती है, बिना कोई किताब पढ़े बिना कुछ ज्ञान किए। शांति उतरने लगी, वो जो ध्यान बटा हुआ था बच्चे में, संसार में फैला हुआ था, वो ध्यान टिक गया, हाँ वो खत्म हो गया। तो क्या ये मन जाए जहां लग तहीं परमात्मा दर्शाए। अरे परमात्मा तो सब जगह है, क्या परमात्मा इस मूर्ति में है वो जो सामने वहां रखी है और जगह नहीं है? परमात्मा तो सब जगह है, गुरुद्वारे में भी है, मंदिर में भी है, तुम्हारा जहां मन दिखता है वहां टिकाओ।